क्रांतिकारी जय भीम, आज का विषय बड़ा दुखद है। गुड़गांव के सोहना में, हरियाणा के गुड़गांव के सोहना में एक साथी का मर्डर कर दिया गया। बहुजन समाज के एक युवा साथी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और साथियों, ये लाइव वीडियो मैं इसी माध्यम से आपके सामने जारी कर रहा हूँ ताकि पूरे देश को इस बारे में मालूम चले और पूरे देश के जितने भी हमारे बहुजन समाज के साथी हैं, वो भाई जिनका मर्डर हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए आप सभी तैयारी करें। बहुत ही दुखद विषय है साथियों। आज हमारे मसीहा, हमारे मान्यवर साहब कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले हम मान्यवर साहब कांशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और 12वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हम साहब कांशीराम जी को, मान्यवर साहब कांशीराम जी को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नम आँखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, एक बहुत ही दुखद विषय के साथ में आपके सामने मैं लाइव आया हूँ। हरियाणा के गुड़गांव में सोहना है। सोहना के लोहो सिलानी गांव के रहने वाले गजराज पुत्र श्री नेतराम का मर्डर कुछ मनुवादियों ने कर दिया। गजराज जी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। कुछ लोग आए, जैसा कि आपने मेरी टाइमलाइन पर आपने वीडियो को देखा होगा कि दो लोग बाइक पर आते हैं और उनका मर्डर करके वे लोग भाग जाते हैं, दो गोलियां चलाई जाती हैं। ये जातिवाद की वजह से हुआ है, ये पूरा जातिवाद है। गजराज के परिजनों ने बताया है और उनके आसपास के लोगों ने मुझे बताया है कि गजराज के साथ में पहले से ही, जैसे ही बहुजन समाज के सभी एक्टिविटीज में गजराज जी इन्वॉल्व रहते थे और लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधाराओं को बढ़ाने का काम करते थे, उससे खुंदक खा करके कुछ हत्यारों ने गजराज का मर्डर कर दिया। ये रात की घटना है साथियों, बहुत दुखद है। भाई गजराज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद विषय यह है कि गजराज की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी आवश्यक कार्रवाई अभी नहीं की गई है। सोहना के रहने वाले हैं गजराज जी और पृथला एरिया पड़ता है वहां का। पृथला एरिया के एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। पृथला एरिया के एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और वहां पर उनकी हत्या की गई। बल्लमगढ़ के पास की घटना है। पोस्टमार्टम हाउस में उनका शव अभी रखा गया है, लेकिन साथी आंदोलन कर रहे हैं। हम सभी साथी भी पूरी टीम के साथ में वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ा दुखद विषय इस बात का है कि अभी तक भी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी हत्यारे की कोई भी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। इसमें बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। आपने फुटेज भी देखी होगी सीसीटीवी की। सीसीटीवी की फुटेज में साफ नजर आता है कि दो लोग हत्या करने के लिए आते हैं। इसमें से जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति काफी समय तक नीचे बैठा रहता है, लेकिन उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो किस वजह से बैठा है। पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध कही जा सकती है। यहां तक कि मैं बड़ा सवाल उठाना चाहूंगा, देखिए हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ा दुखद विषय है। लेकिन ये सरकार कर क्या रही है? ये गुड़गांव की पुलिस, ये सोहना की पुलिस कर क्या रही है? ये एक बहुत बड़ा
विषय इसके सामने उभर करके यूं आता है कि सीसीटीवी की फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक भी हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कोई भी कोशिश नहीं की है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा है, यहां तक कि वहां के एरिया के कोई भी ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर है वो घटनास्थल पर पहुंच करके उन्होंने ये जायजा नहीं लिया, ये घटना हुई तो हुई कैसे। देखिए मर्डर हुआ है, यदि मर्डर हुआ है तो बड़ी घटना कही जा सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं और बहुत बड़े सवाल पेट्रोल पंप के अधिकारियों के ऊपर भी उठते हैं, क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरे में फुटेज तो आ गई लेकिन पेट्रोल पंप के ऊपर कई सारी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, कई सारे सीसीटीवी कैमरे पेट्रोल पंप के ऊपर लगे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को हत्यारों ने तोड़ दिया। पहले तो तोड़ नहीं सकते, यदि पहले तोड़ा होता तो पेट्रोल पंप के अधिकारियों को इस बात की जानकारी होती। यदि पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा होता तो पेट्रोल पंप के अधिकारियों को इस बात की जानकारी होती और वे विरोध करते इस बात का कि आप हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्यों तोड़ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों को क्यों तोड़ रहे हैं। वहां पर सीसीटीवी कैमरे तोड़े हुए पाए गए हैं, इसलिए पेट्रोल पंप के अधिकारियों के ऊपर भी बड़े सवाल लाजमी हैं, बड़े सवाल उठते हैं कि पेट्रोल पंप के अधिकारियों ने ही या फिर अपने कर्मचारियों से या फिर उन हत्यारों से हत्या करने के बाद सीसीटीवी कैमरे तुड़वा दिए हैं। हत्यारे तो वहां से भाग गए, हत्यारे तो हत्या करके वहां से भाग गए, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि बाद में पेट्रोल पंप के ऊपर सीसीटीवी कैमरे तोड़ी हुई अवस्था में क्यों पाए गए। यदि पहले तोड़े गए हैं तो भी पेट्रोल पंप के जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे, जितने भी अधिकारी मौजूद थे, उनकी भूमिका संदिग्ध है, पुलिस इस बेस पर भी काम करे। दूसरी बात, यदि हत्या के बाद भी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे यदि तोड़े गए हैं तो भी पेट्रोल पंप के अधिकारियों की और कर्मचारियों की भूमिका जो है वो संदिग्ध है। साथियों बड़ा ही दुखद विषय है, उस भाई ने, आप सीसीटीवी की फुटेज मैंने अपनी टाइमलाइन पर डाली है, आप उस सीसीटीवी की फुटेज को देखिए, आप एक गोली मारी गई उस भाई को। गजराज हैं, गजराज सन ऑफ श्री नेत्राम निवासी हैं, लोह सिलानी गांव सोहना जिला गुड़गांव के, उनको एक गोली मारी गई, लेकिन मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं, मैं उनकी हिम्मत को सल्यूट करता हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो शहीद हो गए हैं, शहीद हो गए हैं इन मनुवादियों की कारस्तानियों के ऊपर, वो शहीद हो गए हैं इन मनुवादियों से लड़ते हुए। 4 से 5 साल से वो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, लेकिन जितने ये लोग उनका लगातार विरोध कर रहे थे और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, वे लोग परेशान आ चुके थे कि आखिर एक व्यक्ति अपने घर परिवार को भी पाल रहा है और समाज को भी आगे बढ़ा रहा है, तो उसको जिंदा क्यों रहने दिया जाए। साथियों दुखद विषय है, बहुत बड़ा दुखद विषय है, लेकिन आज साथियों आप सभी को आवाज उठानी होगी, हमारे भाई को न्याय हमें दिलाना होगा, और न्याय दिलाने के लिए आप सभी को एकजुट होकर के, सीकरी पार्क है, अंबेडकर पार्क भी कहा जाता है, बल्लमगढ़ के पास है सीकरी पार्क, वहां पर आप सभी साथियों को एकजुटता के साथ पहुंचना है और भाई गजराज को न्याय दिलाना है। बड़ा सवाल उठता है पेट्रोल पंप के ऊपर भी, बड़ा सवाल उठता है इस देश की सरकार के ऊपर भी, बड़ा सवाल उठता है हरियाणा सरकार के ऊपर भी, बड़ा सवाल उठता है गुड़गांव की सोहना की पुलिस के ऊपर भी, क्योंकि अभी तक भी देखिए वहां पर साथी अभी आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने
अभी पोस्टमार्टम के लिए हामी नहीं भरी है, स्वीकृति नहीं दी है और अभी डेड बॉडी नहीं ली जाएगी। लेकिन अभी सभी साथियों को जब तक डेड बॉडी नहीं ली जाएगी तब तक उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। उन हत्यारों को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। हत्यारे गिरफ्तार होने चाहिए तभी हम डेड बॉडी लेंगे। साथियों हमारी भी पूरी टीम, भीम सेना की पूरी टीम वहां पर पहुंचेगी और पहुंच करके अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग को उठाने की कोशिश पूरी करेगी। हम इस दुख की घड़ी में उस पूरे परिवार के साथ हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं, हम पूरे परिवार के साथ में हैं। और ये घटना बहुत दुखद है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। कब तक ये लोग हमारे समाज के लोगों को यूं मरवाते रहेंगे और मारते रहेंगे? अब आवाज उठाने का वक्त आ चुका है। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे तब तक भाई गजराज को न्याय नहीं मिल जाता। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपको तहे दिल से प्यार करता हूं, लेकिन आप भी यदि भाई सतपाल तंवर को, अपने भैया जी को, अपने दोस्त को अपने सच्चे दिल से प्यार करते हैं, यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और साहब काशीराम जी की विचारधारा पर चलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और साहब काशीराम जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हैं, तो साथियों गजराज भाई के लिए आवाज को बुलंद कीजिए, उनको न्याय दिलाइए। फरीदाबाद के पास में बल्लमगढ़ पड़ता है, बल्लमगढ़ के पास में सीकरी पार्क है जिसको अंबेडकर पार्क भी कहा जाता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए और भाई की न्याय की आवाज को बुलंद कीजिए। आज भाई गजराज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया, लेकिन हम लोग खामोश नहीं बैठ सकते। यह बहुत बड़ा दुखद विषय है। इस दुखद विषय में हम उन परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, हम उस परिवार के साथ में हैं, हम उस परिवार को जितना जल्दी हो सके न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और न्याय दिला करके ही दम लेंगे। चाहे हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, चाहे हमें इनकी गर्दनों को काटना क्यों ना पड़े, चाहे हमें इनकी गर्दनों को भेंट क्यों ना चढ़ाना पड़े, चाहे हमें अपनी गर्दन भी क्यों ना कटाना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। साथियों न्याय की आवाज को बुलंद कीजिए, इस आवाज को सभी साथियों तक पहुंचाइए। एक हमारे भाई की हत्या हुई है, हम नहीं चाहते कोई भी भाई हमारे बीच से ऐसे चला जाए और हम खामोश बैठे रहें। साथियों हम भी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी वहां पर पहुंचेंगे और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम के साथ में मैं दिल से अभिवादन करता हूं और साहब काशीराम जी के चरणों में दोबारा से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी साहब काशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलते हुए अपने समाज को न्याय दिलाएंगे, अपने समाज को एकजुट करेंगे। क्रांतिकारी जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।